आज हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। आज कौन सा टॉपिक है हमारा? फिगर ऑफ स्पीच। तो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है इसका, लेक्चर वन, जिसमें हम केवल पांच फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका ब्लेंडिंग। सबसे फर्स्ट कौन सा है आपका फिगर ऑफ स्पीच? ब्लेंडिंग। इट रेफर्स टू जॉइनिंग द बिगनिंग ऑफ वन वर्ड एंड द एंड ऑफ अनदर टू मेक अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग। ब्लेंडिंग मीन्स क्या होता है? ब्लेंडिंग मीन्स होता है कि जब हम दो वर्ड को लेकर उनको उनका स्टार्टिंग का और एंड का दोनों का मिला देते हैं, यानी कि बिगनिंग का और एंडिंग का जब हम मिला देते हैं और फिर न्यू वर्ड क्रिएट होता है जिसका खुद का एक मीनिंग होता है, उसे कहते हैं ब्लेंडिंग। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। एग्जांपल है आपका, जैसे आपका स्मोक होता है, धुआं होता है एंड फॉग। फॉग जानते ही आप, जो कोहरा या फिर धुंध बोलते हैं जिसको। यदि हम इन दोनों को मिला दें, आपका स्टार्टिंग का और आपका एंडिंग का, तो एक न्यू वर्ड बनता है स्मोक। जैसे कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आप लंच करते हैं। यदि आप इसके स्टार्टिंग का और एंड का आप मिला देंगे तो आपका न्यू वर्ड जो बनता है वो है आपका ब्रंच। वैसे भी आजकल हम लोग ब्रंच ही करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो 7 या 8 AM के बीच में हो जाना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते हैं। स्कूल्स में भी जो बच्चे हैं उनको ब्रंच ही कराया जाता है, ना वो ब्रेकफास्ट होता है ना वो लंच होता है, क्योंकि 11 या 12 बजे आपका ब्रेकफास्ट या लंच का टाइम नहीं होता है, वो आपका बीच का टाइम होता है, जिससे न्यू वर्ड बना जो ब्रंच। सेकेंड है आपका कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मीन्स तो पता ही आपको, जोड़ना होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज प्रोसेस ऑफ वर्ड्स आर जॉइनिंग टू मेक वन लॉन्गर एंड या न्यू वर्ड। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो वर्ड को जिनके मीनिंग होते हैं उनको आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, लेकिन हम उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं, बस जो लॉन्गर वर्ड बनता है उसी को बोलते हैं आपका कंपाउंडिंग। एक एग्जांपल लेते हैं, और वो आपका एग्जांपल क्या है, जैसे आपका नोट और बुक। जैसे आपका, आपने जानते हैं नोट, जो मैम भी नोट देती है वो, या आप कहीं नोट लिखते हैं, और बुक, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो आपका जो न्यू वर्ड बना वो क्या है? नोटबुक, जिसमें हम लिखते हैं, वो बन गया आपका। एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक और एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे आपका रेन प्लस कोट, अगर रेन कोट को मिला दिया जाए तो आपका क्या बनेगा? रेनकोट। आपने देखा भी होगा रेनकोट, जब रेन होती है जब रेनकोट पहना जाता है। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, इसमें हमने स्टार्टिंग का और एंड का इन दोनों को ज्वाइंट करके एक न्यू वर्ड क्रिएट किया। कंपाउंडिंग में हमने एज इट इज वर्ड को उठाकर और हमने लॉन्ग वर्ड बनाया, तो ये आपका हो गया कंपाउंडिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमेंटिक स्लैंटिंग। कौन सा है आपका? सिमेंटिक स्लैंटिंग। वोकैबुलरी वर्ड्स दैट द ऑथर चूजेस पर्पसफुली इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग लिसनर और टू क्रिएट इमोशन। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, तो आप मार्केट में बहुत सारे आपको चीजें मिलती हैं जिनके ऊपर लिखा रहता है 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो आप उन चीजों को देखकर आप उन चीजों को लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं ना। तो इसी तरीके से ये ऐसा वर्ड होता है जो कि क्रिएट करता है इंटरेस्ट। क्या करता है? इंटरेस्ट क्रिएट करता है सुनने वाले को और इमोशन क्रिएट करता है। तो आप इस एग्जांपल इसका लिख लें, सुगर फ्री
बिस्किट, और दूसरा एग्जांपल आप ये लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल आपका जो है फैट फ्री चिप्स। ये एग्जांपल इसलिए है ताकि आपको ये डेफिनेशन जो है और ज्यादा इजी हो जाए। इंग्लिश से आप बिल्कुल भी नहीं डरे, बहुत ज्यादा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बस धीरे धीरे आप इन्हें कवर करिए। नेक्स्ट है आपका होमोफोन। अब देखिए इसमें आप होमोफोन फोन वर्ड को पकड़ लें, फोन जो आप फोन करते हैं उसको लेकर फिर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अ होमोफोन इज अ वर्ड दैट साउंड्स द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। होमोफोन्स में क्या होता है, ये ऐसा वर्ड होता है जिसमें साउंड सेम होता है बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है। तो आपने क्या देखा कि साउंड तो सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग अलग है। अब फोन को हम कनेक्ट करेंगे कि हमें साउंड सेम चाहिए। आपने ये फोर वर्ड सुना होगा के लिए, और एक आपने एफ ओ यू आर फोर सुना होगा, ये वाला फोर। तो देखिए इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है आपकी, दोनों के साउंड सेम है बट मीनिंग भी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। आपने जैसे ये एट वर्ड सुना होगा, सेकंड फॉर्म होती है ईट की, जिसे हम खाना कहते हैं। नेक्स्ट आपका एक इसका एग्जांपल एक एट जो ई आई जी एच टी, आपका जो नंबर एट होते हैं वो। अब देखिए इनकी साउंड सेम है एट एट, बट मीनिंग और स्पेलिंग दोनों का ही डिफरेंट है। तो आपने होमोफोन को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच है होमोग्राफ। अब हमने वहां होमोफोन देखा था, यहां हम होमोग्राफ देखेंगे। ग्राफ मीन्स भाई ग्राफ में हम लिखते हैं, तो ग्राफ से यानी कि यहां पर जो लिखना होगा वो शायद सेम इसकी बात हो रही होगी। इट हैज सेम स्पेलिंग एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। जैसे आपने एक सुना होगा बैट, आपने बैट सुना होगा, कई लोग जो चमगादड़ उड़ने वाला होता है उसको जो सोच रहे होंगे, कुछ लोग जो गेम जिससे खेलते हैं बैट बॉल आपका उससे लगा रहे होंगे। तो देखिए कि आपकी जो स्पेलिंग है वो सेम है, उस बैट का मतलब भी यही स्पेलिंग होती है और खेलने वाले की भी, और जो चमगादड़ है उसकी, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। तो हमने देखा स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग दोनों का ही डिफरेंट है। और ऐसे और भी है एग्जांपल, जैसे मिनट, आपका मिनट यानी कि छोटा सा, और एक मिनट जो आप टाइम में देखते हैं। तो इस तरीके से बहुत से वर्ड होते हैं इंग्लिश में जो इस तरीके के होते हैं, कुछ ब्लेंडिंग करके बनाए जाते हैं, कुछ कंपाउंडिंग करके बनाए जाते हैं, और कुछ होमोफोन होते हैं, कुछ होमोग्राफ होते हैं, इसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा वो देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीच कराए थे, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको कितना याद हुआ। तो आपको ये बताना है कि हमने जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था जिससे आपका बनता है नोटबुक, क्या बनता है आपका नोटबुक, तो ये किसका एग्जांपल है। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखेंगे, तो जिससे आपको पता लगेगा कि यदि आपका ये एग्जांपल आता है फिगर ऑफ स्पीच में तो ये किसका एग्जांपल है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका जो आज का सिक्स नंबर का है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जिसे हिंदी में कहते हैं भाषा विज्ञान। आपको इंग्लिश तो आपका है, इंग्लिश पेडागोजी तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको इनका हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो लिंग्विस्टिक को कहते हैं भाषा विज्ञान। इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर ग्रामर सिंटैक्स। लिंग्विस्टिक वह विज्ञान है लैंग्वेज का जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है,
संरचना है, ग्रामर है यानी व्याकरण है, और सिंटैक्स यानी कि वाक्य रचना। इनका जिसमें हम स्टडी करते हैं उस विज्ञान को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मोनोलिंगुअलिज्म। सबसे पहले कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसे यदि हम टुकड़ों में कर दें, जब हम उसके पार्ट कर दें तो वो और भी ज्यादा इजी हो जाती है। यहाँ पर हम मोनो, मोनो का मीन्स होता है वन, और लिंग्विज्म का अर्थ क्या होता है इसे मैंने पहले भी बताया है, लैंग्वेज। तो जिस इसकी डेफिनेशन है वो कैन स्पीक वन लैंग्वेज, जिस पर्सन को वन लैंग्वेज आती है उसे कहते हैं मोनोलिंग्विज्म। नेक्स्ट है आपका बायलिंग्विज्म। तो हम इसे भी बांट लेते हैं बाय, बाय का अर्थ क्या है दो, लिंग्विज्म का मीन क्या है लैंग्वेज यानी भाषा। वो कैन स्पीक टू लैंग्वेज, जिसे टू लैंग्वेज आती हो उसे क्या बोलेंगे हम बायलिंग्विज्म। तो देखा आपने मोनोलिंग्विज्म यानी जिसे एक लैंग्वेज की नॉलेज हो, बायलिंग्विज्म जिसे टू लैंग्वेज की नॉलेज हो जो बोल सकता हो। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश को कन्वर्ट करके हिंदी में पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बायलिंग्विज्म को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच है आपका पॉलीग्लॉट। इसकी डेफिनेशन है वो कैन स्पीक 5 to 10 लैंग्वेज, जिस पर जो पर्सन जो है स्पीक कर सकता है 5 to 10 लैंग्वेज। कैसे, जैसे कि किसी पर्सन जो है उसको फ्रेंच भी आती हो, उसको जर्मन भी आती हो, हिंदी इंग्लिश आती हो, तमिल तेलुगु आती हो, जिसे 5 to 10 तक लैंग्वेज की नॉलेज हो उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट देखिए आपका 10 है आपका एटिमोलॉजी। ये एटिमोलॉजी है, एंटिमोलॉजी नहीं है, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी को हम बोलते हैं हिंदी में शब्द विज्ञान। आपका जो एंटिमोलॉजी होता है वो तो आपका जो कीट विज्ञान होता है, कीड़े मकोड़ों से संबंधित साइंस होता है जिसमें हम उस स्टडी करते हैं, वो होता है आपका एंटिमोलॉजी। ये है आपका एटिमोलॉजी, शब्द विज्ञान। इसकी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ रूट फ्रॉम वेयर इज वर्ड डेराइव्ड ओरिजिन, जहां से उस वर्ड की उत्पत्ति हुई है, यानी वो वर्ड जो है वो कहां से निकलकर आया है, उसकी स्टडी जिसमें की जाती है उसे कहते हैं शब्द विज्ञान। जैसे कि नए नए शब्द जो है वो हमारे इन्वेंट होते रहते हैं, हमारे साइंटिस्ट लगे रहते हैं नए नए वर्ड को निकालने में, और ऐसे ऐसे वर्ड निकालते हैं जैसे गूगल, गूगल भी कभी बनाया होगा वर्ड, तो उसके तरह दूसरा कोई वर्ड भी नहीं है, या फिर एस्पिरिन जैसे दवाइयां होती हैं, और ऐसे ही टेबल चेयर ये वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं से तो निकल के आया है, तो इसे बोलते हैं एटिमोलॉजी, जहां से उस वर्ड की उत्पत्ति हुई है, जहां से उसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट है आपका मोर्फोलॉजी। अब ये मोर्फोलॉजी क्या होता है आपका, मोर्फोलॉजी क्या होता है आपका, हिंदी में इसे बोलेंगे आकृति विज्ञान। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे आकृति विज्ञान। जैसे कि आपका मैथ हो गया, तो मैथ के अंदर एक आकृति है नंबर की, इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर जैसे वर्ड है उनकी आकृति है, हिंदी, हिंदी के अंदर वर्ड जो भी वर्ड है व्यंजन स्वर इनकी आकृति है एक अच्छी खासी। कैसे, हिंदी में जैसे ये है इसकी आकृति है, और इंग्लिश में जैसे फॉर है, एफ है, डब्ल्यू है इसकी आकृति, और आपका जो मैथ है उसमें वन है टू है इसकी आकृति। तो जिस आकृतियों का अध्ययन हम जिस साइंस में करते हैं उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए डेफिनेशन आपको याद करनी बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें आपकी डेफिनेशन ही आती है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इन अ लैंग्वेज। इसमें जब हम वर्ड के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं आप, मॉर्फोलॉजी।
नेक्स्ट है आपका फोनोलॉजी। इसमें हम किसके स्टडी करेंगे? साउंड की। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फोनोलॉजी की क्या होती है डेफिनेशन। फोनोलॉजी को हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? स्वर विज्ञान। आपके स्वर तो आपने पढ़े ही होंगे, तो जब हम स्वर यानी कि जो भी फोनीम्स होती हैं, जो भी स्पीच साउंड होते हैं, जिनकी स्टडी हम जिसमें करते हैं, उसे फोनोलॉजी कहते हैं। ये तो था आपका एकदम जनरल लैंग्वेज में। स्टडी ऑफ वे स्पीच साउंड आर स्ट्रक्चर, हाउ साउंड आर ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि आपका एग्जांपल है, टेबल लगा लीजिए, टेबल एक एग्जांपल। अब इसमें कितने आपके साउंड आए जो आपने बोले? ट, अ, बाके बाद भी अ, फिर ला, अ, आपके बहुत सारे जो साउंड है वो आपने बोले। तो इसी तरीके से जब हम स्टडी करते हैं स्पीच साउंड की, तो उसे बोलते हैं आप फोनोलॉजी। जब हम वर्ड के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एटिमोलॉजी, जहां से वो वर्ड जो है आया है, उसका ओरिजिन हुआ है, उसे बोलते हैं एटिमोलॉजी। आपका मोनोलिंगुअलिज्म, जिसको एक लैंग्वेज की नॉलेज हो, एक लैंग्वेज बोलता हो जो। बायलिंगुअलिज्म, जिसे दो लैंग्वेज आती हो। पॉलीग्लॉट्स, जिसे 5 to 10 लैंग्वेज आती हो। और लिंग्विस्टिक हमने पढ़ाई है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इट्स स्ट्रक्चर, ग्रामर और सिंटैक्स। आज हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो करेंगे। ये फिगर ऑफ स्पीच जो है बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये आपके कोई भी टेट एग्जाम हो, सी टेट हो, रीट हो, केवीएस, DSSSB, एमपी टेट, यूपी टेट, आपका कोई भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का टेट का एग्जाम होता है, वहां पर आपके ये फिगर ऑफ स्पीच पूछे ही जाते हैं और आपने देखे भी होंगे। तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपके जो है 2 या 3 मार्क्स जो है इससे आपके पूछे ही जाते हैं। तो आज आप इनको अच्छे से समझेंगे। आपके 5 फिगर ऑफ स्पीच है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश के साथ साथ ये हिंदी में भी आते हैं, तो आज हम हिंदी के सिलेबस में जो टॉपिक है अलंकार, उसे भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे, तो आपका हिंदी का भी हो जाएगा। तो फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं? अलंकार। तो ये अलंकार क्या होते हैं? ये अलंकार जो है वो क्या होते हैं, तो बताइए अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का एक सिंपल सा मीनिंग है मक्खन लगाना। क्या है? मक्खन लगाना। वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक अवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव। यानी वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे जो कि हमारी लैंग्वेज जो है उसको सुंदर भी बनाता है, इम्प्रेसिव भी बनाता है और इफेक्टिव भी बनाता है। लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए हम कुछ अलंकार का, कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे, तो वो आपके ये हैं। तो फर्स्ट है आपका सिमली। कौन सा है फर्स्ट आपका? सिमली। सिमली को हम बोलते हैं उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं हम? सिमली इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। सिमली जो है वो कंपैरिजन करता है दो चीजों के बीच में, कोई भी दो चीज हो सकती है, उनके बीच में कंपैरिजन करता है। मान लीजिए हम ऐसे बोल देते हैं कि ही इज एज टॉल एज ट्री। वो क्या है? पेड़ के जितना लंबा है। तो कोई पेड़ भी इतना लंबा तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मक्खन लगाने के लिए बोल देते हैं कि वो पेड़ के जितना लंबा है। और ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हर वॉइस इज अ स्वीट एंड मेलोडियस एज कुकूज। यानी कोयल की तरह है उसकी आवाज, तो कोयल की तरह आवाज, कोयल की आवाज तो अलग होती है, इंसान की भी अलग होती है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव या इफेक्टिव बनाने के लिए हम ये चीज बोल देते हैं, ताकि उसको अच्छा लगे। तो ये है आपका सिमली। लेकिन एग्जाम में हम कैसे पता करेंगे कि सिमली है? तो इसके लिए आपके आइडेंटिफिकेशन वर्ड है लाइक और एज। जहां भी आपको सेंटेंस में लाइक और एज दिख जाए, जहां भी आपको क्या दिख जाए, लाइक और एज, ये दोनों वर्ड दिख जाए, आप झट से पहचान लीजिए कि वहां पर सिमली है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो हम चलते ही नहीं है, तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल क्या है? लाइफ
इज लाइक अ ड्रामा. लाइफ क्या है? ड्रामा की तरह है और वो तो ड्रामा ही है वैसे भी. तो यहां पर देखिए आपका लाइक वर्ड आ गया. तो लाइफ क्या है? ड्रामा की जैसी है, ड्रामा की तरह है. हिंदी में अगर पूछ लिया जाए उपमा अलंकार में तो जैसी, उसके जैसा, उसकी तरह ये वर्ड आ जाते हैं तो आप कहेंगे कि वो उपमा अलंकार है. और इंग्लिश में सिमिली यानी कि जहां पर आपका लाइक और एज वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो सिमिली है. और वैसे डेफिनेशन आपको पता है कि सिमिली जो है वो कंपैरिजन करता है दो चीजों के बीच में. यहां ड्रामा और लाइफ के बीच में आपका जो कंपैरिजन किया जा रहा है. इसके अलावा आप ये वाला एग्जांपल भी लिख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया था. ही इज टॉल एज अ ट्री. वो क्या? ट्री के जितना लंबा है. हर वॉइस इज अ स्वीट. उसकी वॉइस जो है वो स्वीट है. कैसी? एज कुकू, कोयल की तरह. ये आप लिख लीजिए. तो चलिए आपको समझ में आया होगा सिंपली. नेक्स्ट हम करेंगे मेटाफर. मेटाफर की डेफिनेशन क्या होती है? अ मेटाफर कंपेयर्स टू और मोर थिंग्स. हाँ, मेटाफर कंपेयर्स बिटवीन टू और मोर थिंग्स. बट यहां पर एक कंडीशन है. वो क्या है? विदाउट एज और लाइक. यहां पर आपका एज और लाइक के बिना कंपेयर किया जा रहा है. वैसे हम कह सकते हैं कि सिमिली और मेटाफर जो है वो एक भाई है एक दूसरे के, क्योंकि इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है, इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है. लेकिन यहां पर कंपैरिजन जो है वो एज और लाइक के बिना हो रहा है और यहां पर कंपैरिजन जो है वो डायरेक्ट हो रहा है. डायरेक्ट कंपैरिजन. हम अभी एग्जांपल लेंगे जिससे और अच्छे से समझ में आएगा. मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिमिली भी बोल सकते हैं. मेटाफर को रूपक अलंकार बोलते हैं. रूपक अलंकार. ओके, तो हमने दो पढ़ लिए हैं अच्छे से, सिमिली और मेटाफर. अब इसका करते हैं हम एग्जांपल. एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आता है. इस एग्जांपल को अगर ले लें हम, क्योंकि यहां दोनों सेम है लेकिन क्या एज और लाइक का यूज नहीं किया जा रहा है, तो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझा जा सकता है कि लाइफ इज अ ड्रामा. लाइफ क्या है? ड्रामा है. डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है यहां पर. टीचर जब परेशान हो जाती है बच्चों से तो ऐसे बोल देती है दिस क्लास इज जू. ये क्लास क्या है? जू की तरह है. जू का मीन्स ये तो नहीं है कि क्लास में बहुत सारे एनिमल हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन परेशान होकर बोल देती है कि ये जू की तरह है, हो गई है क्लास. तो इस वजह से यहां पर कंपैरिजन जो है वो डायरेक्ट किया गया है. इसके अलावा हम अगर एक और एग्जांपल लें तो वो हो सकता है जैसे योर हार्ट इज मेड ऑफ गोल्ड. योर हार्ट इज, एक और एग्जांपल लिख लें इसका. Your heart is made of gold. आपका हार्ट जो है वो मेड से, किससे बना हुआ है? गोल्ड से बना हुआ है. गोल्ड से तो नहीं बनता है, लेकिन कई बार हम इंसान को बहुत अच्छा बताने के लिए कि आपका मन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, इस टाइप से कहने के लिए हम बोल देते हैं कि योर हार्ट इज मेड ऑफ गोल्ड. तो जो लैंग्वेज है वो भी बहुत सुंदर हो गई, इफेक्टिव हो गई और सुनने वाले को भी अच्छा लगा. तो इसी को हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, इसी को अलंकार बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन. एलिट्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार. क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार. हिंदी में तो आप अच्छे से जानते होंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें जो आपके व्यंजन है उनकी पुनरावृत्ति होती है. रिपीटेशन कॉन्सोनेंट साउंड. यहां पर हम कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन देखते हैं.
तो एलिट्रेशन में हम क्या देखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन देखते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं, जो आपके वॉवल है ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो भी अल्फाबेट होंगे आपके वो सब क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। उनसे जो भी साउंड निकलता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। हिंदी में इन्हें बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। आपके क ख ग घ ये होते हैं तो उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहां पर क्या है, रिपीटेशन है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको कि एलिट्रेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आपने बहुत ज्यादा फेमस लाइन है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आपने इस तरीके की लाइन जो है वो मूवीज में या फिर डायलॉग में इस टाइप से सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा आपने। तो देखिए यहां पर च च च और च, ये कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो रही है बार बार। हिंदी में आपके च च च, इसकी साउंड की रिपीटेशन हो रही है। ये एग्जाम्पल जो है वो केवल समझने के लिए है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल आपका कोई भी आ सकता है एग्जाम में। दूसरा आपका एक एग्जाम्पल, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब यहां पर देख लीजिए आप, र र र, यानी आर आर जो है इसकी साउंड की रिपीटेशन हो रही है। यहां पर भी ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो एलिट्रेशन में हमने देखा कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है। अनुप्रास अलंकार में हमने क्या देखा, व्यंजनों की पुनरावृत्ति होती है। तो एसोनेंस क्या होता है, एलिट्रेशन में रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का। तो एसोनेंस में होता है रिपीटेशन वॉवल साउंड का, किसका होता है रिपीटेशन, वॉवल साउंड का, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड। आपके वॉवल साउंड कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवल साउंड होते हैं। इनसे जो साउंड निकलता है उनको वॉवल साउंड बोलते हैं। जैसे अ, हिंदी में आपका अ ए ई ओ उ, इस टाइप से। तो आपको ये चीज याद रखनी है, वहां पर आपके व्यंजन की और यहां पर वॉवल साउंड की रिपीटेशन। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपका आ गया रिंग, विंग, सिंग, किंग। तो आपने ये देखा यहां पर आई एन जी आई एन जी आई एन जी, ये नहीं देखना है आपको, आपको क्या देखना है, साउंड देखना है। इंग 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 इंग, इंग साउंड जो है उसकी रिपीटेशन हो रही है, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम एसोनेंस। इसे क्या बोलेंगे हम, स्वर साम्य अलंकार। स्वर जो है यहां पर इंग ई ई ई, इसकी जो रिपीटेशन हो रही है, तो इस वजह से ये हुआ आपका एसोनेंस, स्वर साम्य अलंकार। इसका एक और एग्जाम्पल ले देते हैं। एग्जाम्पल जो है वो एक जरिया होता है चीजों को याद रखने का, बिना एग्जाम्पल के कोई भी चीज नहीं होती है, और अगर होती है तो वो चीज बहुत लंबे टाइम तक याद भी नहीं रहती है। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बचपन से सुनते आ रहे हैं ये लाइन। तो यहां पर बताइए कौन सा होगा, खुद सोचिए यहां पर कौन सा हो सकता है आपका एसोनेंस, आप कैसे पहचानेंगे। ये देखिए आपका हॉ पॉ, यहां पर ओ वॉवल साउंड की रिपीटेशन हुई है। हिंदी में आपका ओ ओ, इस साउंड की आपको रिपीटेशन हो रही है, इसलिए ये आपका क्या है, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लास्ट करेंगे आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानवीयकरण। क्या बोलते हैं आपका, मानवीयकरण। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, आपकी जो निर्जीव चीज होती है, उसमें हम ह्यूमन क्वालिटी खोजते हैं, ह्यूमन क्वालिटी से उसका कंपेयर करते हैं, तो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, उसे बोलते हैं मानवीय
करण। इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं, गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स में ह्यूमन क्वालिटी को खोजते हैं तो वो होता है आपका पर्सोनिफिकेशन, वो होता है आपका मानवीयकरण। जैसे द मून इज स्माइल, मून जो है वो स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है। तो एक बार बताइए, मून का भी स्माइल आपने देखा है करते हुए? नहीं। लेकिन फिर भी जब हम खुश होते हैं, जब हम किसी के बारे में बोल रहे होते हैं कि आज तो बहुत अच्छा दिन है, देखिए मून भी स्माइल कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो हम लिख लेते हैं, मून इज स्माइलिंग, ये तो आपका हो ही गया। इसके अलावा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस जो है वो क्या है? बेस्ट टीचर है। अनुभव जो है वो बेस्ट टीचर कहा गया है। अनुभव जो है वो क्या है? नॉन लिविंग है, लिविंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इन्हें बेस्ट टीचर बोल दिया है। तो इसी तरीके से हिंदी में भी हम मानवीयकरण अलंकार इसको बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि जो भी कुछ छूट गया हो या मुझसे ही गलती से कुछ मैं फास्ट बोल रही हूँ और वर्ड इधर उधर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम रिपीट कर लेते हैं। सिमली क्या होता है, जिसे हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करता है। तो लाइक और एज वर्ड को देखकर हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि उस लाइन में सिमली पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका मेटाफर। अ मेटाफर कंपेयर टू और मोर थिंग्स विदाउट एज और लाइक। मेटाफर जो है वो सिमली की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर दो नहीं बल्कि दो से अधिक चीजों के बारे में जब हम कंपैरिजन करते हैं, और वो भी कैसा कंपैरिजन होता है आपका, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, उसे ही मेटाफर बोलते हैं। यहाँ पर हम एज और लाइक इन दो वर्डों का यूज नहीं करेंगे। एलिट्रेशन क्या होता है आपका, अनुप्रास अलंकार, जहां पर आपके कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो रही हो। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू वोवल को छोड़कर सभी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनसे निकलने वाली साउंड, उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। एसोनेंस स्वर साम्य अलंकार, इसमें क्या होता है, वोवल साउंड की रिपीटेशन होती है, आपके ए ई आई ओ यू जो वोवल है उनसे निकलने वाली साउंड जो होती है उनकी रिपीटेशन होती है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण, यहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उसको ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।